दोस्तों कहते हैं प्यार कब किससे हो जाए कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसे ही लव स्टोरी सामने आई है जिसमें साल भर तक स्कूल बनाते बनाते एक राजमिस्त्री अपने मालकिन के दिल में घर बना बैठा। जी हां, 30 साल के दो बच्चों की मां के साथ 3 बच्चों के पिता राजमिस्त्री का लव स्टोरी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। वह मालकिन के साथ लगभग साल भर से शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन इनके प्यार को किसी की नजर लग गई। उसके बाद जो हुआ आप खुद ही देख लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक गांव से हाल ही में आई थी। यहां काजल नाम की महिला का करीब 10 साल पहले दुर्गेश नाम के व्यक्ति से शादी हुआ था। शादी के बाद उनके दो बच्चे भी पैदा हुए। दुर्गेश का कारोबार काफी अच्छा था, उसके साथ साथ खेती बाड़ी भी थी, लेकिन वह पत्नी के लिए एक प्राइवेट स्कूल खुलवाना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने एक राजमिस्त्री से बात की तो वह तैयार हो गया। फिर अगले दिन से स्कूल का निर्माण शुरू करा दिया। स्कूल बनाने के लिए राजमिस्त्री का लंबे समय तक उनके घर आना जाना लगा रहा। इसी दौरान राजमिस्त्री और मालिक की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जैसे ही मकान मालिक अपने काम पर चला जाता और बच्चे स्कूल में, वैसे ही मालकिन और राजमिस्त्री मौका देखकर अवैध संबंध बनाने लगते थे। मालकिन भी उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अब स्कूल का निर्माण शुरू हुए करीब 6 महीने का वक्त बीत गया था। इस दौरान मालकिन और राजमिस्त्री एक दूसरे से संबंध बनाने में लगे हुए थे। अब हर रोज जैसे ही राजमिस्त्री दोपहर में छुट्टी करता तो वह मालकिन के घर खाना खाने के लिए आ जाता और फिर उसके साथ मजे से रंगरेलिया मनाता। ये सिलसिला करीब साल भर तक चलता रहा, लेकिन कहते हैं लोग इस छुपाए नहीं छुपता। एक दिन राजमिस्त्री दोपहर में छुट्टी करके मालकिन के घर आया, फिर दोनों मिलकर मौज मस्ती करने लगे। तभी गांव का ही युवक कुछ सामान लेने के लिए उनके घर आया, लेकिन वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने होशियारी दिखाई और चुपके से मालकिन और राजमिस्त्री के साथ बाहों में लिपटे हुए का वीडियो बना लिया। उसके बाद वह वहां से चला आया। फिर उसने धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को वीडियो सेंड कर दिया। उसमें से एक युवक उसके पति को वह वीडियो सेंड कर दिया। वीडियो तेजी से गांव में वायरल होने लगा। वीडियो देखने के बाद गांव वाले गुस्से में आ गए। अगले दिन राजमिस्त्री जैसे ही काम पर आया तो गांव वालों ने उसे बंधक बना लिए और जमकर हाथ साफ किए, जब तक उसका पति भी आ गया। फिर पति समाज में बदनामी के डर से गांव वालों को इकट्ठा करके सभी वीडियो को डिलीट करवाया। उसके बाद राजमिस्त्री को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया और अगले दिन से काम पर न आने के लिए कहा। तो देखा दोस्तों, ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।